मेरे दोस्तों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, ये जो कांग्रेस ऑफिस है, ये बड़ा महत्व देश के इतिहास में रखता है और इस ऑफिस से ही जो कोई नेता निकला वो देश के आजादी के लिए लड़ा और हमें खुशी है, गर्व है कि बाबू राजेंद्र प्रसाद जी इस देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, वो इसी जगह से बने और यहाँ के लड़ाई से बने। तो आज ऐसे पवित्र जगह पे हम आए हैं और समय की कमी होने के कारण ज्यादा बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम आम पार्टी की मीटिंग में हमको जाना है। तो मैं दोस्तों आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, हम सारे विपक्ष पार्टी के लोग हम एक होना और मिलके आने वाले 224 में लड़ना, और इसलिए राहुल गांधी जी ने पहला कदम उठाया और उन्होंने हमको कहा और हम और राहुल गांधी जी ने मिलके हमने ये सोचा, हर एक पार्टी के नेता को बुला बुला कर बात करेंगे और आगे सभी मिलके कदम उठाएंगे। तो उसी नियत से यहाँ पर आज हम पटना में मीटिंग कर रहे हैं और आप लोगों के साथ मिलने का और आपका आशीर्वाद लेने का भी ये वक्त हमको मिला है। इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा, हमारे पार्टी के जो उसूल है और हमारे पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, इसी को बिहार कभी नहीं छोड़ सकता। और बिहार अगर हम जीत गए तो सारे हिंदुस्तान में हम जीत जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सब मिलके कांग्रेस पार्टी को जिताइए, मिलजुल के काम करिए। चाहे कुछ भी छोटे मोटे कुछ आपके पास मतभेद भी हो, उस मतभेद को निकाल दो। देश के लिए, संविधान बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए यह आपका काम है और आपके हकूक को बचाने के लिए आपको लड़ना होगा, सबको एक करना होगा। इसीलिए जो राहुल गांधी जी ने कोशिश की और कोशिश कर रहे हैं, उसको हम आगे लेके जाना है। इतना कहते हुए मेरे चार शब्द को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।